हेलो मेट्स, आप ऑफ कोर्स सेलुलॉइड पैराडाइज में हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि स्पॉइलर्स हर जगह होते हैं। मिस मार्वल के 3 एपिसोड्स एयर हो चुके हैं और चलिए इन 3 एपिसोड्स के बारे में बात करते हैं। मैं एपिसोड वाइज ब्रेक डाउन नहीं कर रहा हूँ, तीनों एपिसोड्स को मिलाकर समरी करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक हमने इस सीरीज में जो इम्पोर्टेंट बातें नोटिस की, उनमें से नंबर 1 है यूसुफ खान, यानी कमाला के फादर के पेरेंट्स या फिर उनके पूरा खानदान कराची से ही बिलोंग करते थे। वो ओरिजिनली पाकिस्तान के कराची के हैं, लेकिन कमाला की माँ मुनीबा खान की फैमिली पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनकी फैमिली ओरिजिनली इंडिया की थी। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे एक इंडियन सुपर हीरो, प्योर इंडियन सुपर हीरो हमें मार्वल में देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक इंडिया के साथ भी कनेक्शन रखा गया है इस प्लॉट एंगल के जरिए। बॉलीवुड मूवीज के रेफरेंसेस दिए गए हैं, शाहरुख खान के बाजीगर और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इन दोनों फिल्मों के बारे में कहा गया है। इस बात से एक और कनेक्टिविटी बढ़ती है, वो ये है कि बॉलीवुड में इटर्नल मेंबर किंगो भी एक एक्टर के रूप में था, और एक बार ही नहीं, मतलब किंगो सीनियर था, किंगो जूनियर था। और कामरान ये बताता है कि कामरान की माँ किंगो सीनियर की बहुत बड़ी फैन है। तो हम ये कह सकते हैं कि कमाला के फैमिली के कनेक्शन या फिर कामरान की माँ और कामरान की माँ के साथ जो मेंबर्स हमने देखे हैं, उनके कनेक्शन इटर्नल से भी हो सकते हैं। ये एक कनेक्टिविटी बनती है। और मैं मार्वल से यही कहना चाहूँगा कि आगे अगर एक इंडियन सुपर हीरो मार्वल इंट्रोड्यूस करे, तो उससे पहले अच्छे से रिसर्च कर ले और काफ़ी अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करे। और जैसा कि हमें पता है कि शक्तिमान के ऊपर मूवी बनने वाली है, तो शक्तिमान को भी मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स के साथ एक कंबाइन किया जा सकता है, कोलैब किया जा सकता है। अच्छा लगेगा शक्तिमान को देखना बड़े पर्दे पर, क्योंकि शक्तिमान ही हमारा पहला इंडियन सुपर हीरो है कॉमिक्स के अलावा। नंबर 2, एपिसोड 3 में हमें ये पता चलता है कि बैंगल्स 2 थे, सिर्फ एक बैंगल्स फिलहाल कमाला के पास है। और 1942 में एक टेम्पल के अंदर वो बैंगल नाजिमा और उसकी टीम और आयशा को मिला था। और 1942 में ही कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में स्मिथ के हाथों वो टेसरेक्ट क्यूब लगा था। तो एक कनेक्टिविटी हो सकती है। सो बैंगल्स 2 होने चाहिए, एक बैंगल हम देख रहे हैं, दूसरा बैंगल शायद आगे शो में रिवील होगा। इन बैंगल्स की ओरिजिन स्टोरी और कमाला के टीवी शो के लिए पावर्स में क्या चेंजेस किए गए हैं और प्लॉट कैसी हो सकती है, इस बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा। मैंने जो बातें कही थी वैसे ही बातें ऑलमोस्ट हो रही है। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आप लोगों को दिख रहा है, जरूर चेक कीजिएगा उस वीडियो को। नंबर 3, ये जनरेशन काफी लॉन्ग है, मतलब सबसे पहले आयशा की बेटी है सना की बेटी है मुनीबा, और अब मुनीबा की बेटी है कमाला। नाजमा जब कमाला को उस बैंगल और नाजमा के अदर डायमेंशन की कहानी बता रही होती है, तब हमें आयशा दिखती है, लेकिन कमाला अपने विजन्स में नाजमा को देख रही थी। तो ये एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, मुझे लगता है कि नाजमा को जो हम देख रहे हैं वो चेहरा असल में शायद आयशा का चेहरा हो, और नाजमा का असली चेहरा कुछ और है, और नाजमा ने आयशा का रूप ले रखा है, ऐसा भी हो सकता है, और शायद ये लोग स्क्रल्स हों, ऐसा हो सकता है आगे। ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कमाला अपने विजन्स में अगर किसी को देखेगी तो आयशा को देखेगी, क्योंकि वो बैंगल्स आखिरी बार आयशा ने पहने थे। उसके विजन्स में नाजमा का आना थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करता है। नंबर 4, नाजमा ये बताती है कि वो लोग दूसरे डायमेंशन से है, उस डायमेंशन का नाम है न्यू डायमेंशन, और वो लोग एक एलियन रेस है जिसको पृथ्वी के लोगों ने अलग अलग नाम दिया है, जिन कहा जाता है या फिर घोस्ट कहा जाता है। तो बेसिकली नाजमा कमाला को ये समझाती है कि वो लोग जिन है और एक दूसरे डायमेंशन से आए हैं जिसका नाम नूर है। और इस टॉपिक के ऊपर कमाला का फ्रेंड ब्रूनो रिसर्च करने लगता है, और नाजमा को वो बैंगल चाहिए ताकि उसकी मदद से वो लोग अपने घर वापस जा सके। नाजमा और उसके टीम मेंबर्स की उम्र नहीं बढ़ी है, उनकी उम्र रुक गई है, लेकिन कामरान असल में ही एक 17 साल का यंग लड़का है और वो नाजमा का बेटा है। तो ये भी थोड़ा सा सस्पेंसिव है कि
नाजमा ने इतनी लेट शादी क्यों की और किससे शादी की। नंबर 5, DODC के ऑफिसर्स नाजमा और उसकी पूरी टीम को अरेस्ट कर लेती है। DODC के ऑफिसर्स के पास काफी हाईटेक हथियार देखने को मिलता है, जिन हथियारों के सामने नाजमा या उसकी टीम अपने पावर्स नहीं दिखा पाते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एंड नंबर 6, कमाला की माँ मुनीबा खान, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बातें काफ़ी राज वो छुपा के रख रही है। हमें एपिसोड 3 में ये पता चलता है कि मुनीबा और यूसुफ की शादी में भी मुनीबा की माँ यानी कमाला की नानी नहीं आई थी, तो ये भी एक सस्पेंसिव बात है क्यों नहीं आई थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कमाला के लाइफ में अभी जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में मुनीबा को पता है, लेकिन मुनीबा इंटरफियर नहीं कर रही है। शायद मुनीबा चाहती है कि कमाला अपने पावर्स को पूरी तरह से जान ले और उनका इस्तेमाल करना सीख ले। तो ये एक फैमिली इनहेरिटेंस भी हो सकता है कि जेनेटिकली पावर्स इनकी फैमिली में आगे बढ़ रही है और शायद इस बैंगल का इस्तेमाल इससे पहले मुनीबा ने भी किया होगा और किसी वजह से इस्तेमाल करना बंद कर दिया होगा, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। सो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेरे हिसाब से मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब अगर ओवरऑल सीरीज का मैं रिव्यू करूं तो सीरीज काफी रीमिक्स बन गई है। कैरेक्टर्स पाकिस्तानी है लेकिन फ्लेवर काफी इंडियन सिनेमा के जैसा है, बॉलीवुड के जैसा है फ्लेवर। काफी बॉलीवुड के टिपिकल 90s के जो रोमांस ड्रामा मूवीज होती थी उस तरह की मूवी लग रही है। यशराज मूवीज या फिर सूरज बड़जात्या के फिल्मों की तरह लग रहा है। काफी इंडियन गाने यूज हुए हैं, अच्छा लगा है वो देखकर। शादी वगैरह फेस्टिवल डांस ये सब दिखाया गया है। इस्लामिक कल्चर को काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है, लेकिन एक बीच बीच में और आखिर के क्रेडिट्स में एक फोक बीजियम बजता है जो जबरदस्ती का सैडिस्टिक लगा, मुझे दुख भरा लगा जबरदस्ती का। इतनी दुख भरी नहीं है कहानी, लेकिन फिर भी मतलब ओवर मेलो ड्रामेटिक बीजियम लगता है वो। और कमाला की माँ एक मतलब हमेशा दुख में रहती है, एक अजीब ही दुख उनके चेहरे पे रहता है, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं हो रहा है अब तक कि क्यों है वो दुख, क्या है वो दुख। वो लोग अच्छे भले अमेरिका में सेटल है लेकिन फिर भी एक ट्रेजिक एक्सप्रेशन लेके रहती है वो, तो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग टाइप लगा मुझे। ओवरऑल काफी इंडियन टच दिया गया है, जो बाहर के ऑडियंस हैं, जो दूसरे कंट्रीज के मार्वल फैंस हैं, उनको शायद काफी अच्छा लगेगा। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल सेलुलॉइड पैराडाइज को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अपने बडीज के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिए। मिस मार्वल आपको कैसी लग रही है कमेंट्स कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।